सन्त्वनपेक्षामच्चित्ता प्रशान्ताः समदर्शिणः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः। का संतों का संग करने से मन में सारे दोष दूर हो जाते, से कहा गया था कल 26वें श्लोक में ना। अब इसलिए कहते वे संत ऐसे सामर्थ्य वाला कैसे हो गए, हाँ उनके संग से वे अपने वचनों के द्वारा हृदय का मल को दूर कर देते हैं, क्योंकि संत वो हैं जिनके अंदर किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षा। मच्चित्ता निरंतर मुझ में ही चित्त को लगा रखे हैं, अतएव प्रशांता समदर्शिन समदर्शी है। ममत्व और अहंकार से रहित है, द्वंद से रहित है, परिग्रह से रहित है, वे हैं संत। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत कथाः संभवन्ति हितांड्रीणां जशतां प्रपुनन्त्यघम्। तेषु नित्यं, हे महाभाग अरे उद्धव, तेषु महाभागेषु उन महाभागों में उनके समीप में जाकर के तेषु उपदेशापेक्षा अपितु केवलं तस् निद्रेव तारितः। केवल उनके उपदेश की भी अपेक्षा नहीं है वास्तव में, केवल उनके सन्निधि मात्र से भी काम चल जाएगा। तेषु महाभागेषु नित्यं मत कथा संभवन्ति हिताः, जो मेरी जो कथा है सारी दुनिया को हित करने वाले, वे उनके मुख से निकलते रहते हैं। नृणाम जिषताम प्रपुनन्त्यघम्, इसलिए उनका सेवा करने वालों का पापों को वे नष्ट कर देते हैं। ता ये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चादृताः मत्पराः श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयी। ता ये शृण्वन्ति, उन कथाओं को जो लोग सुनते हैं, गाते हैं और आदरपूर्वक उसका अनुमोदन करते हैं, कैसे रहकर? मत्पराः श्रद्धधानाश्च, मत पर होनी चाहिए, मैं ही उनके लिए परम प्रिय वस्तु हूँ और श्रद्धा से युक्त हूँ, उनको क्या मिलेगा? ते मई भक्तिम विंदंती, वे लोग निश्चित रूप मुझ में भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्ति को प्राप्त करके क्या होगा? भक्तिम लब्धवत साधो किमन्यदवशिष्यते मई अनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनी। भक्तिम लब्धवत साधो, भक्ति को लाभ किया वो साधु को और क्या प्राप्त करना शेष रह गया बताओ? किम अन्यदवशिष्यते मई अनंत गुणे ब्रह्मणी, मुझ अनंत गुणों वाला साक्षात ब्रह्म आनंद अनुभवात्म स्वरूप, आनंद की उपलब्धि स्वरूपा आत्मा में विद्यमान आत्मा की जो प्राप्त हो गया, तो संबंधी भक्ति ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है, फिर उसके लिए अन्य शेष क्या रह गया? तन्मूलम अज्ञानम च नश्यन्ति, क्योंकि अमूल अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधुं संसेवतस्तथा। जैसे मान लो कोई अग्नि के पास में भगवन्तं विभावसुं उपश्रयमाणस्य, जैसे कोई सूर्य का आश्रय करे या अग्नि का आश्रय करे, उनको तीन चीज दूर हो जाता है, शीत भय और तम। उसी प्रकार के साधु जनों का संसेवन करने से उसके अंदर में भी ये तीन चीजें अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तथा च कर्म जाड्यम आगामी संसार भयम तन्मूलम अज्ञानंच। शीतता से क्या लेना पड़ेगा दाष्टांत में? कर्म जाड्यता, और भय से संसार का भय, आगामी संसार का भय, और तमा से अज्ञान। ये तीनों उस व्यक्ति का नष्ट होते हैं जो साधुओं का संगति करता है। निमज्जोन्मच्चतां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्म विद शांता नैर्दृढ़े वापसु नौर्दृढ़े वापसु मज्जताम। निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ, इस घोर संसार रूपी समुद्र में
जन्म मरण रूपा उच्चावच योनियों में जन्म मरण रूपा चक्कर को काटता हुआ का परम अयनम सर्वश्रेष्ठ आश्रय है तो कौन है वो संतः ब्रह्मविदः शांतः नौः दृढ़ा नौरिव। जैसे मान लो डूबते हुए आदमी के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान समझे संसार में डूबता हुए जीवों के लिए संत रूपा ब्रह्मज्ञानी जो है ब्रह्मविदः संतः शांता नौरिव भवन्ति नौ के समान नौका के समान समझो। अन्नम ये प्राणिनाम प्राण आर्थानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तंडणां प्रेत्य संतो वर्वाग् विभ्यतो वरणम्। देखो इस संसार में प्राणियों को अन्न ही प्राण हो जाता है, अन्नमेव प्राणो जीवनम भवति, वो अन्न ही उनके लिए जीवन बन जाता है। और दुर्गति को प्राप्त हुए लोगों को पीड़ितों को लिए मैं ही शरणागत हूं, मैं ही एकमात्र उनको शरण देने वाला हूं। और प्रेत्य मरने के बाद इस मनुष्य के लिए धर्म ही उनका असली धन होता है, धर्मो मरने तक तो ये रुपया भी बहुत बड़ा चीज होता है, इन मरने के बाद रुपया कोई काम के नहीं होते, धर्म ही उसका असली धन होता है। इसी प्रकार से जो संसार से तपे हुए लोगों के लिए संतो अर्वाक बिभ्यतो वरणम अर्वाक बिभ्यतो मने जो संसार से पतित होने की संभावना से भयभीत है, संसार में गिरे हुए रहने की संभावना से भयभीत है, ऐसे पुरुषों के लिए अरणम शरणम किम संत एव संत ही उनके लिए एकमात्र शरण है। संतो दिशन्ति चक्षुंषी क्यों कारण बता रहे संतो क्या देते हैं, संतों के पास पहुंचने से क्या लाभ है, संत क्या देते हैं आपको, चाय भी नहीं पिलाते पानी भी नहीं पूछते, ऐसे संतों के पास जाना पड़ता है। जब चाय दूध पानी पूछने वाला है वो तो खतरनाक आदमी, वो फंसाने वाला है वो बहुत खतरा है, ऐसे के पास जाने से फायदा नहीं, वो तो अपने चक्कर में डालने के लिए आपको लोभ लालच दे रहा है, ऐसे से दूर रहना पड़ता है। जीवन दे रहा है हाँ और क्या, लोभ लालच दे रहा है वो, जीवन क्या देगा, जीवन तो चिड़ियों को भी मिल रहा है वो दे रहा है क्या, ये तो सोच ही गलत है आपकी, जो अन्न दे दिया जो चाय पानी दे जीवन दे रहा है, ये आपका सोच ही गलत है। वास्तव में दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया तो उस पर विश्वास है ना, इसलिए महंत और विश्वास करते हैं आप, देने वाला दानदाता समझते हो, लेने जो देते हैं तो उसी तरह खून भी चूसते हैं, ये नहीं समझते हैं। बहुत परेशान करते हैं, जहां भी रहो देख लो तमाशा है, परेशान करते हैं और काम निकालना पड़ता है मजबूरी में, है ना, क्या करें, मजबूरी में महात्मा हो। तो इसीलिए कहते वास्तविक क्षण देते क्या हमें, वास्तव में संत दी है तो संतो दिशन्ति चक्षुंषी बहिरर्कस्मुत्तितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। कहते हैं कि भाई देखो संत वास्तव में सगुण निर्गुण ज्ञानों का चक्षु है, सगुण ज्ञान निर्गुण ज्ञान परमात्मा का सगुण ब्रह्म का ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो वह उस ज्ञान के प्रति ज्ञान को देने वाले के प्रति चक्षु कौन है, संत ही चक्षु है, क्योंकि इन चरम चक्षुओं से इन ज्ञानों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, घट ज्ञान पड़ ज्ञान के प्रति यह बाह्य चक्षु कारण है, लेकिन सगुण निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के प्रति संत ही कारण होते हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषी बहिरर्कः समुत्थितः, अर्कः पुनः यथा सम्यक उदितोपि बहिरेव, जो सम्यक प्रकार से उगा हुआ सूर्य भी आपको बाह्य विषयों का ही ज्ञान दे सकते हैं, सगुण निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को नहीं दे सकते हैं। इसे कहते हैं बहिरेव अर्कः समुत्थितोपि बहिरेव विषयानि एव ददाति ज्ञानम देवता बांधवा संतः संतो आत्मा हमेव च। तदपि एकमेव चक्षुरित्यर्थः, तदपि
एकमेव चक्षु इत्यर्थ कह दिया, क्योंकि जो है वास्तव में देवता भी संत है, बंधु भी संत है, आत्मा भी संत है, मैं भी संत हूँ। परमात्मा अपने आप बोलते आत्मा संत अहमेव च कह दिया। इन सब की कृपा से ही हमें सगुण निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्तियां हो सकती। अब समापन करते हैं। वैतसेनस्ततोप्येवम् उर्वश्यालोक निस्पृहः मुक्त संगो महीमेताम् आत्मारामश्च चारः। वैतसेन वही वैतसेन कहते उसी को, पुरुरवा का नाम वैतसेन, क्योंकि एक बार जो है ये गया था ना उनके पार्वती के क्षेत्र में, चला गया, घुस गया रुद्र का क्षेत्र में, तो वहां इसको नपुंसक होना पड़ गया, स्त्री भाव को प्राप्त कर गया, नपुंसकता नहीं बल्कि स्त्री होना पड़ा, जो वहां प्रवेश कर सब स्त्री हो जाती है, ये भी वहां चला गया, ये भी स्त्री भाव को प्राप्त किया था, तो फिर बाद में जिसकी मुक्ति हुई थी इसे उसको कहते वैतसेन। सुद्युम्न भावेन उमावनम प्रविष्ट सुद्युम्न का, वो पहले था ना, वो था सुद्युम्न का भावेन उमा भवन में प्रविष्ट था, वीता सेना और सारी सेना से रहित होकर प्रवेश कर गया, तो स्त्री भाव प्राप्त तो स्त्री भाव प्राप्त से पुत्रो इति वैत सेना, उस स्त्री भाव को प्राप्त किया हुआ उस सुद्युम्न का ही ये पुत्रों ने से, इसको वैत सेन कहते पुरोरवा को। ये उक्त प्रकार उर्वश्य अलोका स्थान अवलोकनाद्वा, इस प्रकार से तथो अपी एवं तथोपि उस जो उर्वशी का लोक से भी, स्थान से भी, उसके भोग से भी, एवं उर्वश्या लोक निष्प्रहा उर्वशी का लोक से वैराग्य हो गया, मुक्त संगो सर्वाशक्ति को त्याग करके एता महीम इस पृथ्वी पर स्वस्वरूप में ही रमण करता हुआ विचरने लगा। इस प्रकार से अहिल गीत भी समाप्त। उद्धव वाच, उद्धव गाते हैं, अब वापस लौटता है पूजा पाठ आराधना में, क्योंकि सभी लोग पूर्वोक सांख्य योग के अधिकारी नहीं है, ये बता दिया। हाँ, बड़े बड़े लोग भी औरत के जाल में फंस जाते हैं, है ये नहीं, तो इसीलिए पूजा पाठ के बिना भगवान की कृपा हो नहीं सकती, और भगवान की कृपा के बिना ये जो जाल से हम बच नहीं पाते, वासना ऐसी है वो खींच के ले जाता है, फंसा देता है, तीसरे उनसे बचने के लिए क्या है, भगवान की पूजा पाठ अति आवश्यक है। इसे कहते हैं भगवान आप अपनी पूजा पाठ का विधि विधान थोड़ा बता दो, कैसे करना चाहिए, सवेरे से उठने से लेकर सोने तक के लिए किस किस तरह से हमें क्या क्या करना, कैसे करना आपका आराधना, उस क्रिया योग मैंने यहाँ क्रिया के तात्पर्य पूजा पाठ का विधि विधान, उस कर्म का योग के बारे में बताइए, कर्म विधि बताइए। उद्धव वाच, क्रिया योगम समाचक्ष्व भवद आराधनम प्रभो यस्नातां ये यथार्चन्ति सातता सातदर्शभ। कहते हैं प्रभो भवद आराधनम क्रिया योगम समाचक्ष्व, आ गया ना, आपकी आराधना करना रूपी जो क्रिया योग है, कर्म योग है, वो हमारे लिए कथन कीजिए। यस्मा जिससे ये त्वाम यथा अर्चन्ति, जो लोग यथा यदि कस्मिन अधिष्ठान आदौ केन प्रकारेण, किस अधिष्ठान में किस प्रकार से कौन कौन कैसे कैसे अर्चना करते हैं, सात्वता माने भक्ता, हे सात्वदर्शभ हे भक्तों का परिपालन करने वाले श्रेष्ठ परमात्मा आप बताइए। कहते भाई कई बार पूर्व में चर्चा हो चुकी है। कहते हाँ हाँ बात तो सही है, कई बार आपने बताया है जगह जगह पर, लेकिन फिर भी हमें लगता है वो अधूरा ही, क्यों, ये तद्वदन्ति मुनयो मुहु निश्रेयस नृणाम नारदो भगवान व्यास आचार्यो वंगिरसस्वतः निःसृतन्ते मुखाम्भोजात् यदा भगवान नजः पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देवी च भगवान भव। एतद्दै सर्वर्णानां
ஆசிரமாணாஞ்ச சம்மதம் ஸ்ரேயசாம் உத்தமம் மன்யே ஸ்ரீ சூத்ராணாஞ்ச மானத. காரணம் பதா தியா கியங்கி ஹம்னே சுனாத ஏதத் வதந்தி முனய முஹோ நிஸ்ரேயசம் நிருணாம். கியங்கி ஜ நிருணாம் ஏதத் ஏவ நிஸ்ரேயசம் நிஸ்ரேயசகரம் இதி முனய முஹு வதந்தி. क्योंकि मुनि लोग बार बार ये बात कहते हैं कि मनुष्यों के लिए यह भक्ति जो आराधना है उपासना है यही वास्तव में निश्रेयस को प्रदान करने में सहयोग देने वाला है. क्योंकि अन्य जितना भी है वह सब अहंकार को बढ़ाते. अरे भक्ति में भी अहंकार बढ़ जाता है. नामदेव आदि को तो भक्ति से तो अहंकार प्राप्त हुआ था. भक्ति से भी होता है लेकिन भक्ति से होने की संभावना कम होता है. क्योंकि इसे झुकना ही है ना. बार बार झुकना है. बार बार झुकना है. अपने से बड़े अपने से श्रेष्ठ सबके सामने झुकना ही है. दंडोती दंडोत मारना है. सबरे से शांत दंडोत के लिए और कोई काम ही नहीं है. यहाँ जो आ जाओ नारायण भगवान आगे प्रणाम करना है. वहां तो भगवान आ गए ना. भगवान का स्वरूप है. भक्ति में तो नियम है ये सबको भगवान रूप मानो. जो आवे जो गाली भी दी वो भी भगवान के रूप मान के उसकी भी सेवा करना है. अब उसमें क्या होता है सब अपने अहंकार मर जाती है. इसीलिए संभावना कम होता है. भक्ति में अहंकार बढ़ने की संभावना कम है. लेकिन जब सब में भगवान को नहीं देखता है उसमें अहंकार भक्ति से बढ़ जाती है. मैं ही भक्त हूं बाकी सब बेकार है भोगी है ऐसा जो सोचेगा तो वो उसके भक्ति से उसको अहंकार ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा. यही था नामदेव में. मैं ही सही भक्त हूँ तो मेरे पास भगवान आते हैं जाते हैं खेलते हैं खाते हैं पीते हैं सोते सब करते हैं. बाकियों के पास कोई आता जाता है नहीं. भगवान तो बाकियों के पास आते जाते नहीं है. ऐसा बाकियों में न भगवान है बाकी न भक्त है. मैं ही एकमात्र भक्त हूँ मेरे पास भगवान आते हैं. यही सारा काम खराब कर दिया दिमाग घुमा दिया है. नहीं सगुण में भी सगुण के भाव पर निर्भर ना. आज सभी में सगुण परमात्मा मानने से बहुत बदल जाता. सगुण को भी परिच्छिन्न कर देना अपने. वो मूर्ति में ही है वो मेरे पास आता वही है और कहीं नहीं है. गड़बड़ ये हुआ ना. सगुणता में गड़बड़ी नहीं है. सगुणता में परिच्छिन्नता कर दिया उसने और उसको घटा दिया. एक मूर्ति में ही रहता है वो इसी मूर्ति में रहता है और यहाँ से बुलाता हूँ तो आता है मेरे से बात फिर वही चला जाता है और कहीं है नहीं वो. और किसी को जाते जाते भी नहीं कि मेरे पास ही आते जाते हैं. ये सब गड़बड़ हुआ ना. वो मेरा हो गया ना. मैं हो मेरा तो ये गड़बड़ हो जाए. तो इसीलिए जब सगुण में भी उपासना में अलग अलग स्तर उस स्तर पर निर्भर है किस स्तर की सगुण उपासना करना है. और कहते इस उपासनाओं के बारे में कर्म भक्ति योग के बारे में ऐसे पूजा आदि कर्म के बारे में आराधना भी कर्म के अर्चना भी कर्म के बारे में नारद भगवान व्यास आचार्य अंगिरस सुधा अंगिरस का जो पुत्र है बृहस्पति तक ने भी इसके बारे में बहुत स्तुति किया है. निसृतंते मुकाम भोजात और सबसे पहले ये आपके मुख कमल से निकला था. यदा भगवान अज जिसको भगवान अज जो ब्रह्मा जी ने फिर कथन किया था किनके लिए पुत्रेभ्यो भृग मुखेभ्यो अपने भृगवादी पुत्रों के लिए भगवान अज ने आपके मुख से प्राप्त वस्तु को उपदेश कर उनको प्रदान किया था. और यही बात भगवान शंकर ने भी अपना देवी पार्वती के लिए उपदेश दिया था. ये तद्वै सर्वर्णानाम आश्रमाणांत च सम्मतम और इसमें वर्ण भेद आश्रम भेद कुछ नहीं. उपासना सभी वर्ण वाले सभी आश्रम वाले भी कर सकते हैं. चारों वर्ण चार आश्रम वालों के लिए भक्ति में कोई रोक टोक नहीं है. और क्या कहा जाए स्त्री शूद्राणांच हे मानद श्रेयसा उत्तमम मन्ये. श्रेयकारी साधनों में सर्वोत्तम साधन ऐसा मैं मानता हूं चाहे वो स्त्री भी क्यों न हो शूद्र भी क्यों न हो उन्हें भी प्राप्त होने वाली चीज है ये. एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर. हे कमल पत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम कर्म के बंधन से जो विमोचन है करने वाला यह साधन है. इसलिए मुझ भक्त अनुरक्त भक्त के लिए विश्वों के ईश्वरों का भी जो
ईश्वर आप मेरे लिए कथन करें। श्री भगवान वाच, भगवान कहते ठीक पूछा तुमने, यद्यपि इसका कोई अंत नहीं है, तुमने जो कर्मकांड का विधि विधान पूछा ना, इन विधियों का आदि अंत कुछ नहीं, जितना भी विधि करो सब कुछ कमियां रह जाती। और क्या विधि, जहां खाली हुए नहीं तो खाली में क्या करना चाहिए इसके लिए विधि सोचना पड़ेगा। अरे 24 घंटे का हर एक क्षण जगने से लेकर सोने तक का, ऐसे मरने तक के हर एक क्षण के लिए विधि कौन कर सकता है? या है भी तो उसको पालन कैसे कर पाओगे, कितना कर पाओगे आप? कहीं ना कहीं प्रमाप्त हो ही जाते। भगवान कहते हैं इसका कोई आदि अंत नहीं है। नहीं अंतो अनंत पारस्य कर्म कांड से चौद्धव संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथावदन पूर्वशः। यदि इसका कोई अंत नहीं अंतो अनंत पारस्य कर्म कांडस्य, अनंत पार वाला जो यह कर्म कांड का कोई अंत ही नहीं है उद्धव, मैं तुम्हें कितना विधियों का वर्णन करूं। इसलिए यथावत अनुपूर्वश मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में वर्णन करूंगा किस क्रम से करना है। पहले तुमको बताता हूं, पूजा तीन प्रकार की होती है। वैदिक तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविदो मख त्रयाणाम ईप्सिते नैव विधिनाम माम समर्चये। वैदिक है, तांत्रिक है और मिश्र है, ये तीन प्रक्रिया होती है मख मने पूजा की। वैदिक विधि सात्विक है, आगम विधि राजसिक है, मिश्र मने पौराणिक विधि तामसिक हो जाता है। सत्व रजतम भेद से तीन प्रकार की, तंत्र से तत्पर आगम, मिश्र से पौराणिक हो जाता है। त्रयाणाम ईप्सिते नैव विधिनाम मांसमर्चये, इन तीनों में से तुम्हारी अपनी इच्छित विधि को लेकर के मेरी अर्चना करना। इन तीनों को भी आपस में खिचड़ी नहीं कर देने का, इन तीनों का खिचड़ी नहीं करना। या तो पूरा वैदिक मार्ग अपनाओ, या तो पूरा आगम मार्ग अपनाओ, या तो पूरा पौराणिक मार्ग से करो। नहीं नहीं, आगम अलग है, जो स्मृतियों में कहा हुआ है बाद में शिवादि के द्वारा कहा हुआ, व्यास आदि से कहा हुआ, अन्य स्मृतियों में कहा हुआ, एक श्रौत, एक स्मार्थ, एक पौराणिक। वो स्मार्थ विधियां सरल होते हैं, वेद में स्वर बिगड़ जाए तो खतरा है ना उसमें, यदि स्वर बिगड़ जाए तो खुद का नाश हो सकता है, फल तो मिला दूर की बात है, कठिन है वो सात्विक है। लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो स्मार्थ करो, फिर आगम पद्धति अपनाओ, वो सब सीधे साधे श्लोक है, स्वर वर का लफड़ा नहीं है उसमें, स्वर का कोई लफड़ा नहीं है उसमें। और पौराणिक तो और भी खिचड़ी है, कुछ उसे वैदिक मिला दे, कुछ ऐसे उसका उसको खिचड़ी कर रखा है वैसे ही वहां पर, अति सरल से कोई दोष नहीं है, आप गलती बोल दो कोई पाप नहीं लगने वाला। नहीं, सभी में जनु छोटी है, कोई भी पूजा करना है चनु छोटी के बिना कर नहीं सकता। चाहे वैदिक कार्य पद से करो, पौराणिक से आगे, इसलिए तो हमने शिव पूजा पद छपा है ना, उसे तीनों अलग अलग दिया ना, इसीलिए वैदिक मंत्रों को अलग दिया, हर एक अंग पूजा की, हर एक अंग पूजा का वैदिक मंत्र अलग, हर एक अंग पूजा का आगम मंत्र अलग, हर एक अंग पूजा की पौराणिक मंत्र अलग कर दिया। और वे पंचदेव पद्धति से किया सारा, जो पंचदेव पद्धति हमारी सनातन धर्म की पद्धति, उससे है नहीं, पारिवारिक पद्धति नहीं, शिव परिवार, राम परिवार, विष्णु परिवार, ये पद्धति में अंत में दे दिया, जो लोग उल्टा पलटा करते हो भी दिखा दे, देखो लोग ऐसा करते हैं, जो कि अवैधिक पद्धति है, अशास्त्रीय सिद्धांत। हाँ छपी है ना, सबको दिया, आपको नहीं मिला, ले लेना, आप ले लेना, मुफ्त बांटा जाता है उसको सबको। पिछली शिवरात्रि में सबको बांटा, अब अगली शिवरात्रि आज कल आ गई, कल आके ले लो, आज नहीं देंगे, कल आना, शिव पूजा पद्धति पुस्तक ले जाना कल। अच्छा देखिए, इसलिए भगवान कहते हैं तीनों में से तुम्हारी मर्जी किसी एक को पकड़ो और उसको लेकर के तुम चलना। वैदिकानी अवंगानी चाहिए ना, पुरुष सुक्ता हो जो चाहो सब वैदिका, वैदिक से क्या है, वैदिक को एव मंत्र, वैदिकानी एव अंगानी चमिन पुरुष सुक्ता उक्ता सब वैदिका, एवं तांत्रिको भी मिश्रो अष्टाक्षरादि, हाँ अष्टाक्षरादि को इस्तेमाल कर दिया, मख मने पूजा तदर त्रैवर्णिको यजेत तदा विशेष महा, उसमें भी विशेष क्या है,
यदा स्वनिगमे नोक्तम द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः यथायेत माम भक्त्या श्रद्धया तन्निबोधमे। यदा स्वनिगमोक्तम गर्भाष्टमैकादश द्वादशाब्दादि काले घर में रहते वक्त आठवें साल ग्यारहवें साल या बारहवें साल है ना, ब्राह्मण के लिए आठवां, ग्यारहवां जो है क्षत्रिय के लिए, बारहवां वैश्य के लिए, जो जिस समय में कहा गया उन कालों में स्वनिगमोक्त स्व शुक्ल चतुर्वेदी है, कोई जो है कृष्ण चतुर्वेदी है, कोई सामवेदी है, कोई ऋग्वेदी है, कोई अथर्वेदी है, अपने अपने कर्म विधि के अनुसार संध्या वंदन जो है उपनयन संस्कार होनी चाहिए। और संध्या वंदन की विधि भी नहीं, कोई विधि उठा लिया कर दिया, ये अपने निगम को समझो पहले, तुम किस शाखा के हो, शुक्ल चतुर्वेदी हो कि कृष्ण चतुर्वेदी हो कि ऋग्वेदी हो कि अथर्वेदी हो सामवेदी हो। महाराष्ट्र पुणे में एक संस्था ने छपाया वैदिक संध्या प्रयोग चारों वेदों के हिसाब से अलग अलग क्या अंतर है उन्हें दिखा दिया, पहले सामान्य सब छपा दिया, फिर उसके एक एक वेद के हिसाब से विशेष छाप दिया, ये विशेष अमुक जगह जोड़ लेना, ये विशेष अमुक जगह जोड़ना हर वेदों के हिसाब से, वो जरूरी है संध्या विधि। अपने पास ये त्रिपुटी विलास करके अलग 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 ग्रंथ है, तीन चार ग्रंथ इस तरह के हैं जिस अलग अलग वैदिक संध्या पद्धतियों का वर्णन किया हुआ है। तो उन चीजों को समझ करके स्वनिगमेन भगवान इसलिए कहते हैं उक्तम यदा द्विजत्वम, यदा स्वनिगम उत्तम द्विजत्वम प्राप्य, इस द्विजत्व बने उपनयन संस्कार के द्विजत्व को प्राप्त करके पुरुष को क्या करना चाहिए, यथा माम यजेत, जिस प्रकार से मुझे भक्त श्रद्धा से यजन करें वो तुम मुझसे जानो, तन में निबोध। सबसे पहले बताते हैं हवन तुमको कहा करनी है, मर्जी तेरी है। अर्चायाम स्थंडिले अग्नौ वा सूर्य वाप सुहृदि द्विजे द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चित स्वगुरु माम अमायया। तुम्हारी मर्जी है मूर्ति की पूजा करो चाहे अर्चायाम, अर्चा मन मूर्ति विशेष, अर्चायाम स्थंडिले वा प्रतिमा आदि में करो, चाहे स्थंडिल में बनाओ, मिट्टी उट्टी का बनाओ स्थंडिल उसमें करो, अग्नौ वा चाहे सीधे अग्नि में भगवान की आहुति आदि के द्वारा सीधे ही पूजा कर दो, सूर्य वा सूर्य में अर्घ्य आदि अर्पण करके, अपसुवा जल में ही डाल दिया अर्पण आदि के द्वारा, देव दर्पण आदि के द्वारा, अपने हृदय में मानस पूजा कर लो हैं, द्विजे ब्राह्मण आदि में भगवान का रूप मान करके उसकी सेवा आदि पाणी से पूजा करो। भक्ति युक्तो द्रव्येण अर्चेत, भक्ति युक्त युक्त होकर द्रव्य के द्वारा इनमें अर्चना करनी चाहिए मेरी, इतना ही नहीं केवल इनमें मेरी पूजा करने से काम चलेगा, कदा नहीं चलेगा, फिर और किसी करनी पड़ेगी, स्वगुरुम माम अमाम अमायया, दो और इनमें मेरा स्वरूपों को लेकर के, इसके अलावा अपने गुरु को और मुझको प्रधान रूपेण विशेष रूपेण जो है बिना छल कपट माया का करनी चाहिए, कहते ना, इसलिए विषय तो हमने अभी समझ में आते हैं, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से बाद समझ में आए हम लोगों को, जो घर में जो करते थे देखते थे समझ नहीं आता क्यों ऐसा कर रहे हैं। होता क्या था, हम लोग शहर में जब थे कर्मकांड कुछ घर में होता है ना, श्राद्ध वगैरह करना पड़ता है, कोई सत्यनारायण पूजा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पूजा, तो लोकल पंडित बुलाना पड़ता था जो भी अपने परिचितों में से, अब अपने जो कुल का गुरु है, कुल गुरु है, कुल पुरोहित, वो तो था गांव में, और हर तुम्हारे काम में सुधाएगा जगह क्या वो, छोटे मोटे कामों के लिए वो आते नहीं थे ना, हम लोग उनको बुलाते ही थे, भाई उनको क्यों कष्ट दे, वो आएंगे जरूर बुलाएंगे तो आना पड़ जाएगा, अब यहां मिलेगी 11-21 दक्षिणा और 100 रुपया उनको किराया भाड़ा देके मंगाओ, ये झंझट क्यों करना। तो क्या करते थे, किसी भी पंडित को बुलाया उसे पूजा पाठ करा देते थे, लेकिन वो गुरु के नाम पे कुल पुरोहित के नाम पे जो जन्म संस्कार कराता था संतान को उनके नाम पर अलग से पत्र प्रसार रख देते थे, धोती चावल दक्षिणा पानी सब पान वान दुनिया पर सारी चीज बहुत सारे सामग्री रखते थे, वो सब पैक हो जाता था, फिर उनके पास जो भी आ रहा है जा रहा है गाँव उसके हाथ में दे देते, जाओ बोल देना कि वहां ये पूजा हुआ था, पहले भी खबर देते थे वैसे, हम यहाँ पूजा कर रहे हैं और आपकी दक्षिणा पानी अलग कर देते हैं और ये पूरे सम करवा रहे हैं, फिर वो हृदय सम्मति दे देगा, आशीर्वाद मिल गया आपको, कहेगा कोई बात नहीं आप कराइए हमारा पूरा आशीर्वाद है, और उसकी दक्षिणा पानी भले बाद पहुंच रहा है 15 दिन बाद कोई चिंता नहीं,
कि उसके अज्ञान में करने से उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। ये बाद उसे पता चल जाए तो पता तो चलेगा कि हम पूजा पाठ ने कराया था वहां, तो बात तो फैलती है। वो मन में दुख होगा उसको, देखो हम कुल पुरोहित हैं, हमारे अनादर करके हमको बुलाया भी नहीं, खबर भी नहीं दिया, और मन मने कर देता है पूजा पाठ। उसके मन में इतने भाव भी आ जाए, आपका कर्म का सारा फल बेकार हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि विधि में अंग है, स्व गुरु की पूजा अति आवश्यक है, उसके बिना आप जितना भी पूजा पाठ करेंगे व्यर्थ जाएगा। नित्य जो हम पूजा पाठ करते हैं उसे गुरु का स्मरण करना अति आवश्यक है। स्व गुरु माम अमायया, कहते महाराज जी भी कैसे करें, उठ के तुरंत कर दें हैं पूजा पाठ शुरू कर दे उठ करके, कहते नहीं, पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीता धौत दंतोंग शुद्धये उभयैरपि च स्नानम मंत्रेर मृद्ग्रहणादिना। पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीता, सबसे पहले उठ करके शौचादि जाओ, दंत धावन आदि कर दो और स्नान करो। पूर्वम स्नानम प्रकुर्वित, वो भी कैसे, धौत दंत अंग शुद्ध है और स्नान भी उभयैरपिच स्नानम मन, दोनों प्रकार से स्नान करना, मंत्रेर मृदग्रहणादिना, मंत्र से स्नान और मृत जल आदि, मृत ग्रहण आदि कहते ना इसीलिए, वो आदि कहते इसलिए मृतिका से हाथ धोना शौच के बाद है, आजकल साबुन से हाथ धोना, जो भी है वो भी महापार्थिव तो है ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आधुनिक मृत मृत है, आधुनिक मृत कृत्रिम मृत, कृत्रिम मृत अकृत्रिम नहीं है, कृत्रिम मृत है वो, उसे धो लिया है ऐसे कुछ नहीं है, पानी डालो ढंग से तो क्या को बंद होएगा। आलसी का है ना, आज पानी डालता नहीं है, लोटा पर डाल के छोड़ देता है, कंजूसी करते ना, वो बिल पानी का बिल बढ़ेगा, और वो दोनों को पानी ढोके लाना पड़ता, कितना ढोके लाएंगे है, घर में 10-10 आदमी है और 10 बाल्टी डाल देगा तो ढोएगा कौन, इस कंजूसी में गड़बड़ करते और कोई कारण नहीं है। सवेरे 2 घंटा पानी आता है, शाम को 2 घंटा, तो बेचारे कहां तक भरेंगे, कितना भरेंगे है, तो मजबूरी से सब गड़बड़ी सिस्टम में आ गई है। अब तो साबुन का पानी का आजकल तो कागज आ गया है, लफड़ा ही खत्म, कागज से पोचा कागज फेंक दे छुट्टी आ गई, ऐसे गंदा काम होता है। और कंजूस, अरे देसी बहुत करते हैं, विदेशी कहां, देसी के महात्मा है, देसी महात्मा कर रहे हैं, विदेशी तो छोड़ो, महात्मा वेश पहने हुए लोगों का दुर्दशा हो रखा है, कितनों को हमने देखा, टॉयलेट पेपर मांगते हैं, मैंने कहा नहीं, नो न्यूज पेपर आओ, गेट आउट, बोलते हमारे टॉयलेट पेपर के तो न्यूज पेपर भी नहीं आता, जब बाहर यहां से, ऐसे विदेशी का काम नहीं है यहां पे, तो ऐसे लोग बिगड़े हुए हैं यहां भी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो वैदिक स्थान ये कह दिया, अब इसका क्या और भी, मंत्र मृत ग्रहण आदि नाम संध्योपास्त्यादि कर्माणी वेदे नाचोदितानि मे पूजान्ते कल्पयेत् सम्यक् संकल्प कर्म पावनी। संध्योपास्त्यादि कर्माणि, संध्योपासनादि कर्मों को करना, वो भी कैसे, मेरे द्वारा जैसा वेद में तुमको बताया गया वैसे करना है। मैं वेदे नाचोदितानि संध्योपास्त्यादि कर्माणि तैहि पूजां कल्पयेत्, उन्हीं के द्वारा सम्यक प्रकार से तुम पूजा की कल्पना करो। और संकल्प भी क्या करना, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, कर्म पावनीम पूजाम, अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए, अर्थ अंतकरण शुद्ध्यर्थ ही केवल आपको पूजा करनी चाहिए। कहते महाराज हम किस प्रकार की मूर्ति लाएं, कोई कहता है पत्थर का अच्छा होता है, कोई कहता है सोने का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहते तुम्हारी सामर्थ्य, 8 प्रकार की मूर्तियां होती है, कौन से, शौली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सही कती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमाएं श्रुति स्मृतियों में वर्णित है। कौन कौन, सबसे पहला शैली, शिला से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ, शिला या निर्मित आई थी शैली, शैली मैंने सुंदर बना, ऐसा नहीं है शैली का,
शिलया निर्मिता या सा मूर्ति शैली मूर्ति, पत्थर का बना हुआ। दूसरा लकड़ी का बना हुआ, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है लकड़ी का, पत्थर का तो दुनिया में बहुत जगह है और लकड़ी का तो जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध है। लोही, लोहे सोना चांदी तांबा पीतल वगैरह वगैरह का। लेप्या, मृतिका से बना लिया, चंदन से बना दिया मूर्ति, चंदन की मूर्ति, लकड़ी का नहीं, चंदन को घिस 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 पेस्ट बना, पेस्ट से मूर्ति बना के पूजा कर देना। मृतिका से शिवजी आदि बनाया, पिंड बना दिया, पार्थिव लिंग बोलते हैं उसको, पार्थिव लिंग की पूजा वो करना, उसको कहते हैं लेप्या। लेख्याच, लेख्य मैंने चित्रपटमयी, जो फोटो आजकल जो है उसको लेख्या बोलते हैं। सही कती, और बालू से रेत से भी बना सकते हो। मनोमयी, और सर्वश्रेष्ठ तो है मनोमयी, और मणिमयी, और मणिमय जो है स्फटिक मणि इत्यादि से बनाते हैं वो मणिमयी मूर्तियां होती है। ये आठ प्रकार की मूर्तियां हैं, और फिर इसमें भी दो प्रकार की है, चला चले तिथि विधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहने नस्त स्थिराया मुत्र उद्धवार्चने। उद्वास आवाहन नस्त स्थिराया, ये लाभ है, चल मूर्ति और अचल मूर्ति होती है। अचल मूर्ति में एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, रोज रोज आह्वान करने की जरूरत और उद्वास करने की जरूरत नहीं उसको, आप आमंत्रित तो कर दिए पहले, स्थिर स्थापना कर दिया, अशुद्धाशुद्ध का प्रसंग नहीं है, एक जगह स्थिर है वो, और एक ही जाएगा पुरोहित तो ही पूजा करेगा, दूसरा छुएगा नहीं, अति वहां कोई ऐसा बारंबार उसको जो है आह्वान करो और उद्वास करो ये सब कर्म कांड की जरूरत नहीं। श्रयाम उद्वास आवाहने नास्त हे उद्धव अर्चने, इसलिए चला चले थी द्विविधा, बल्कि तो दक्षिणा में तीन प्रकार की मानते, एक तो दर्शनीय मूर्ति, ये तो वो अलग एक्स्ट्रा बना लिया लोगों ने आजकल, नहीं तो दो ही था, एक अर्चना मूर्ति था एक उत्सव मूर्ति था। उत्सव इधर घुमाने वाला, रथ यात्रा निकालते ना जो पालकी यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा घुमा रहे, उत्सव मूर्ति होता था। क्या, अरे हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की मूर्तियां बनती है चल और अचल, उद्धव की नहीं, उद्धव से क्या लेन देन है, वो तो भागवत कथा में मानी गई, उसको छोड़ो, उसे कोई लेन देन नहीं। यहाँ पर यहाँ सामान्य पूजा पाठ की विधान कर रहे हैं, यहाँ उद्धव को कहाँ से लागे, यहाँ सामान्य पाठ है। हरेक उत्सव के अंदर ये सब होते हैं, तो मूर्ति जो इस्तेमाल होता है वो जो होता है वो अच्छा चला हो गया, वो चला, और जो स्थापित है वो अचला। वो स्थापित भी आजकल दो प्रक्रिया उन्होंने कर दी, एक छोटी सी होती है आपने देखी, और एक लंबा चौड़ा होता है। जो छोटी है वो अर्चना के लिए, जो 5 फुट वाला है वो दर्शन के लिए। तो दर्शनीय मूर्ति और अर्चना मूर्ति और उत्सव मूर्ति, तीन प्रकार के मान लेते हैं आज के जमाने में। तो जब मैं दो ही था, एक छोटा सा जो पूजा के लिए अर्चना मूर्ति था, और थोड़ा इतना सा बड़ा 1.5-2 फुट वाला वो उत्सव के लिए था। यही थी, यही सिद्धांत बता रहे, दो ही प्रकार का चला और अचला द्विविधा। उसमें चला का तो जब भी करना होगा वह आह्वान उद्वास दोनों करनी पड़ती, हाँ जो चला मूर्ति होता है, चलायमान मूर्ति लेके घूम रहे फिर रहे हैं और पूजा पाठ होता है, उसको तो रोज आह्वान करो, रोज उद्वास करना पड़ेगा। जैसे लोग करते हैं ना, जिस तरह घूमने फिर आचार्य शंकराचार्य लोग हैं, मध्वाचार्य पीठों में बैठे हुए जो लोग, लो क्या करते हैं, सारा पूजा वाठ बंद कर देते, मशीन डब बंद करके लॉक करके ताला लगा देते हैं, भगवान को अंदर ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वहां फिर खोलते थप ताम झाम छटिंग करते चिड़े लोग, और फिर आगे वो पूजा पाठ आरती उतारते। ऐसे को हम कहते चला मूर्ति। और जो इनको मूल स्थान है मंदिर है, जहां के मठाधिपति हो मठ में, वो स्थापित स्थिर वो अचला है। उस अचला में आह्वान उद्वास आदि की जरूरत नहीं है, किंतु चला में रोज आह्वान उद्वास करनी पड़ेगी। अस्थिराया विकल्प स्थंडिले तु भवे द्वयम स्नपनंतु अविलेप्यायाम अन्यत्र परिमार्जनम। अस्थिरायाम अर्चने विकल्प, अस्थिर मूर्तियों में माने चल मूर्तियों में जो भी विकल्प दे रहे हैं, वो शालग्राम है, जैसे शालग्राम है नर्देश्वर है, कोई जरूरत नहीं इनका, भले चलायमान मूर्ति हो भी फिर भी उसमें नित्य भगवान का वास माना गया है, इसलिए आह्वान उद्वास वहां नहीं होगा।
सैकत्याम कुरियात, किंतु अन्यत्र करनी पड़ेगी। जैसे पत्थर का मूर्ति आपने रख लिया, कोई पत्थर की, हनुमान जी रख लिया, कोई शिव जी रख लिया, कुछ रख लिया, नर्मदेश्वर नहीं है वो, शालग्राम नहीं है वो, नित्य मूर्ति स्थिति जिसमें मानी गई है उससे भिन्न दी है, तो वहां आह्वान उद्वास करना ही पड़ेगा रोज रोज। अभिलेप्यम मृणमय लेख्य व्यतिरिक्तायाम इत्यर्थ, और अभिलेप्य कौन है, मृणमय और लेख्य, इनसे भिन्न में भी आपको रोज उद्वास अधिक करना पड़ेगा। मृणमय में और लेख्य में करने की जरूरत नहीं है। अन्यत्र मने विलेप्यायाम लेख्यायाम च परिमार्जन में, और विलेप्य में लेख्य में क्या है, वहां पर क्या परिमार्जन कर दिया, मिटा दो, दोबारा बना दिया, बात खत्म, इतने से ही शुद्धि हो गई, अतिरिक्त और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं लेख्यायाम च परिमार्जन में द्रव्य प्रसिद्ध मध्याघ प्रतिमा विश्वमायन भक्त यथा लब्धर हृदय भाव न चैवही प्रसिद्ध द्रव्यर मत पूजा, मध्याग मने मत पूजा, प्रसिद्ध प्रकर्षण जो सिद्ध सुशोभन द्रव्य से, शुद्ध द्रव्य से, अमायन निष्काम भाव से, भक्त का द्वारा यथा लब्ध जैसा जैसा प्राप्त हो वैसे, हृदय भावे न चाहिए वही, हृदय में विशुद्ध भावना को लेकर के चंदन आदियों के द्वारा यथा संभव षोडशोपचार पंचोपचार जितनी संभव है उतना करो। और ऐसा भी हो सकता है रोज षोडशोपचार कियन पूजन करेंगे लेकिन उनसे जितना सामग्री मिला उतने तो सामग्री से किया, बाकी मन से कर लो, इन है रोज षोडशोपचार पूजन हो रहा है, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, बटोरो ही मत, लफड़े पड़ो ही मत, रोज बैठ जाओ और अपना मानस पूजा कर दिया करो, और क्या, मनोमयी मूर्ति बनाओ और मनोमयी मूर्ति की पूजा कर डालो, सबसे बढ़िया, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। जीव मंदिरम बोला था ना पहले भी, हाँ शब्द बोल गया तो बोलना, वो जीव मंदिरम शब्द था, जीव का शरीर ही सबसे बढ़िया मंदिर है भगवान का। एक पुस्तक सत्य साई बाबा ने लिखा था, बहुत पहले हम पढ़े थे, थ्री टेम्पल्स ऑफ गॉड ऐसे लिखा, तीन मंदिर है भगवान के, कौन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसी में है वो भगवान। कहां तुम ढूंढ रहे हो, कहां पूजा पाठ करने चक्कर भागे दौड़े जाते हो, है? तो यही है सब कुछ होता है। अच्छा श्रेष्ठ है, स्नान आलंकरणम प्रेष्ठम अर्चायामे वतुद्धव स्थंडिले तत्व विन्यास हो वन्नौ आज्यप्लुतम हवि। स्नान अलंकरण प्रेष्ठम अर्चयम एव तु उद्धवा, हे उद्धवा अर्चा पूजा मूर्ति में ही आप रोज रोज का स्नान कराना, अलंकार करना, इस प्रिय वस्तु को लाकर, प्रेष्ठतम वस्तु को लाकर करो। अधिष्ठान वेदन प्रधान उपचारम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अधिष्ठान वेद से प्रधान अंगों का उपचार वेद बता रहे हैं। यदि स्थूल मूर्ति है उसमें तो रोज रोज स्नान अलंकार करानी पड़ेगी, यदि स्थंडिल में हो तो केवल तत्व का विन्यास कर देना, अग्नि में हो तो केवल आज से हवि, आज प्रथम हवि, आज से घी से युक्त हविष्यान्न वगैरह डाल दो, उतने से ही पूजा हो जाएगी। और सूर्य में करना है तो प्रधान अंग क्या, सूर्य चभ्यरणम प्रेष्ठम सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपहृतम प्रेष्ठम भक्तेन मम वार्यपि। सूर्य च अभ्यरणम प्रेष्ठम, सूर्य में क्या है, अभ्यरण ही उसके लिए प्रियतम होता है, अर्थात उसको अर्घ्य दान देना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, अभ्यरणम उपस्थान और अर्घ्य, यही दो मुख्य उसके लिए। सलिलादि भी तर्पणादि नाच यजनम, और सलिलादि के द्वारा, तर्पणादि के द्वारा जल में मेरा पूजा हो सकता है, वह कुछ सामग्री की जरूरत नहीं, चले जाए नदी में और नदी में सामग्री पड़ी है, जल वही है, और जल को जल में छोड़ छोड़ करके भगवान का नाम ले लेकर पूजा हो गया, कहीं से कुछ लाना नहीं, दाना नहीं, कुछ करना नहीं, न धूप चाहिए, न नैवेद्य चाहिए, न कुछ, जल से जल में डाल दिया, काम हो गया। सलिले सलिलादि भी श्रद्धया परदम प्रेष्ठम भक्ति न मम वार्यपि, और भक्त के द्वारा मेरी भी पूजा में केवल वो है ना, कहा भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही करें वार्यपि भक्ते न, वारी जल भी प्रेष्ठम वार्यपि उपहृतम श्रद्धया भक्त ने चेत मम पूजा स्यात्। और यदि अभक्त के द्वारा बहुत माल टाल लाया कि तो भी फायदा नहीं, बोलते भूर्यपि अभक्तोपहृतम न मे तो शाय कल्पते गंधो धूप सुमनसो दीपो नाद्यं च किं पुनः।
कदे सलिलादियों से तो कर दिया आपने, और जो व्यक्ति अधिकार आदि व्यवस्था मुक्त्वा इदानीं पूजा प्रकारम्मा कदे, देखो जो बहुत ला रहा है अभक्ते उपहृतम, अभक्त के द्वारा लाया क्या, भूरी अपि नमेतोषाय कल्पते, मेरी प्रसन्नता के लिए वो नहीं हो सकता है। चाहे वो गंध भी लाया, धूप भी लाया, बड़ा सुंदर सुंदर मिठाई लाया, दीपक जला रहा है, अन्नाद्य भोग लगा दिया, 56 प्रकार का भोग लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं, किम पुन अन्नाद्यम च किम पुन, भक्ति के बिना ही रही। हाँ, भक्ति के बिना सब व्यर्थ ही है। अब जो है अधिकार आदि व्यवस्था कहने के बाद पूजा के प्रकार बता रहे, शुचि समृत संभार प्राग दर्भर कल्पितासन आसीन प्राग उदग्वा अर्चेद अर्चाया मथ सम्मुख। शुद्ध होने के बाद समृत संभार, जितनी पूजा की सामग्री है सारी इकट्ठा कर लो, रख लो अपने आसपास में, और प्राग दर्भय प्राग पूर्व यज्ञ और नोक जिनका, ऐसे दर्भ के बना हुआ आसन, उस आसन पर लगा लेना। कल्पितासन प्राग दर्भय कल्पितासन आसीन, उस पर बैठना भी कैसे, प्राग उदग्वा अर्चेत पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा, अथवा मान लो मूर्ति अन्य दिशाओं की हो तो अर्चाया मथ सम्मुख, तो मूर्ति के सम्मुख होकर बैठ करके करो। कृतन्यास कृतन्यासाम मदर्चाम पाणिनाम ऋजेत कलशम प्रोक्षणीयंच यथावदुपसाधयेत, और कृतन्यासम मदर्चांच पाणिना कृतन्यास आमृजेत, और कहते हैं अपने में न्यास कर लेना मंत्रों से, और मूर्ति में भी न्यास कर देना मंत्रों से। अंगम मन मुखादि त्रिष्ठाधर देवदानां शब्द तत्वादि नाम तत्दंगेशु पराय शब्द तत्वात्मनि नमः इत्यादि प्रधान तत्वानां च पराय जीव तत्वात्मनि नमः इत्यादि गेय तत्वात्मनि च इत्यादि रूपेण तत्व तत्वों का नाम लेकर के नमः नमः अंगों को स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से वह न्यास कर दिया, तत्व देवताओं को समस्त अंगों में उसके प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। फिर अपने में ही कर लेना, हाथों में अंगुलियों में सभ्य कर्म है ना, षोडश प्रकार के न्यास होते हैं, 16 प्रकार के न्यास, इन न्यासों के द्वारा मूर्ति में और अपने में कर लेना चाहिए। अंग न्यास कर न्यास मदर चांपाणी ना आमृजेत, इस प्राणी के द्वारा हाथ के द्वारा आमृजेत आमर्जन संस्पर्शन कुरिया संस्पर्श करे स्वस्मिन यज्ञ, इसलिए अनंतरम गुरुवादि नमस्कार पूर्वकम, पीछे जोड़ लेना है, इसलिए कह दिया गुरुवादि नमस्कार पूर्वकम यथोपदेशम स्वस्मिन कृत न्यास, यथोपदेश जैसा विधिया है अपने में न्यास कर लो, कृतो मूल मंत्रात न्यास हो, मूल मंत्रों से न्यास कर लो, और कुछ मंत्र नहीं जानते हो सीधे मूल मंत्र से न्यास किया, जो भी देवता के मंत्र है वैसे करते जाओ, सीधे सीधे कोई लपड़ा नहीं जानते सारा, तो क्या है मूल मंत्र से कर सकता है, बीज मंत्र से भी कर सकता है, इसलिए कहते हैं मूल मंत्र से न्यास करो। यस्याम ताम मम अर्चायाम अर्चाम आमृजेत निर्माल्य अपकर्षणादिना शोधेत, और उसके बाद जो पूर्व दिन का पूजा का सामग्री था वो सब पहले हटा दो, हटाने के बाद क्या करना, स्पर्शादि से कर दिया सब कुछ करने के बाद में फिर कहते हैं अब कलश की स्थापना करो। कलशंच प्रोक्षणीयंच यथावत प्रसादयेत, कलश और प्रोक्षणीय दो की यथाविधि, जो किसको किस दिशा में कहां रखना, सामने दाया बाया विधि है ना, उसी हिसाब से वस्तुओं को रखनी चाहिए। और क्या करें, कहते हैं कि भाई तद्दत्भिर्देवयजनम द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्षपात्राणि त्रीण्यद्भिर् तैस्तैर्द्रव्यश्च साधयेत, कहते के उसके बाद तद अद्भि उस कलश का जल को लो प्रोक्षणीयात भीर, उस प्रोक्षणीय जो जल के द्वारा देवजनम देव पूजा स्थान, देव पूजा स्थान में छोड़ो प्रोक्षणी से शुद्धिकरण करो, पवित्र पवित्र अपने पर सामग्री पर पूजा स्थान पर सब पर छड़क दिया, शुद्धिकरण कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, पात्राणि त्रीणि अद्भि तेर तेर द्रव्यश्च साधयेत, तीन अलग पात्र रखना, पाद्य अर्घ्य आचमनीय, तीन पात्र होते हैं और अलग अलग में अलग अलग सामान डालना पड़ता है, किसमें लौंग डालना है, किसमें सामा का चावल डालें, किसमें क्या डालना है, विधि है, उसी हिसाब से उन चीजों को डाल के उसे उसी कलश का जल भर देना चाहिए।
इसे त्रीणि पात्राणि अद्वितीयतेर द्रव्यश्च तैते द्रव्यस्य साधेत। और टीका में दिया है पाद्ये श्यामा कदूर्वाब्ज विष्ट क्रांता दिरिष्यते गंध पुष्पाक्षत वक पुष्पाक्षत यवक कुशाग्र तिल सर शपा दूर्वाचेति क्रम आदर्घ द्रव्याष्टकमुदीरितं जाति लवंग कंकोलैर मतम आचमनीयकम। पाद्य में श्यामा का दूर्वा अब्ज मन कमल विष्टुक्रांता पुष्प विशेष है, इनके द्वारा जो पाद्य द्रव्य है ये, और अर्घ्य में क्या क्या डालना चाहिए, गंध पुष्पज अक्षत जौ कुशाग्र तिल सरसव सरसों दूर्वाचित क्रमाद अर्घ द्रव्य अष्टकम, अर्घ में उपयुक्त द्रव्य अष्टके हैं, और आचमनी में जातीय लवंग कंकोल ये तीन चीजों की जो चीजों को डाल करके आचमनी पात्र को बना लेनी चाहिए। उसके बाद पाद्यार्घ आचमनी आर्तम त्रीणी पात्राणि दैशिग हृदय शीर्षात शिखया गायत्र्याचाभिमंत्रये। वही तीन नाम ले लो, कौन तीन, पाद्य अर्घ्य आचमनी आर्तम त्रीणी पात्राणि दैशिक। दैशिक माने पूजक आचार्य, पूजक जो आचार्य है या पूजा करने वाले जो यजमान है वो क्या करें, हृदा शीर्षणा अथ शिखया गायत्र्या चभिमंत्रये, उन पात्रों का हृदय, उन पात्रों का सिर, उन पात्रों का जो शिखा, इन तीन स्थानों पर जो है गायत्री के द्वारा उन जलों का अभिमंत्रित कर देनी चाहिए। ओम।